भोजपुरी में उसको भी नचाएंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, तो उसको नचाया उन्होंने सनी लियोन को। आप अपनी फिल्म में किसको नचाने वाले हैं? हम लोग तो पवन भैया हम लोग के साथ हैं, जो भी हीरोइन जिसको जो चलती है भोजपुरी सिनेमा में उनको हम लोग लेते हैं। रशियन आप नचाइए ना, रशियन रशियन फिल्मों में अगर ऐसा कंटेंट होगा तो नचाएंगे। देखिए नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अयोध्या से, यानी हम दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आज भोजपुरी के जाने माने आज कलाकार यानी फिल्म डायरेक्टर कहिए रजनीश मिश्रा और सपना चौहान हमारे साथ है, बॉम्बे से चल आए हैं अयोध्या में यानी राम जी की नगरी में। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बस माहौल को देखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए अयोध्या का उत्थान देखते हुए बस एक ही मन से बात है, जय जय श्री राम। जय जय श्री में होना चाहिए, जय श्री राम माहौल होना चाहिए, यहाँ से बस शुरुआत होना चाहिए। लेकिन एक राम जी पर एक फिल्म बनाना चाहिए आपको। बिल्कुल, राम राम को लेकर के कई फिल्में बना रही हैं, बन रही है हमारी भोजपुरी। सारी बॉन्ड को लेकर बनाना चाहिए। हाँ, उन लोगों को भी लेकर के बना रहे हैं, दिनेश लाल यादव जी को भी लेकर बन रही है, कल्लू को भी लेकर बन रही है, बनाना चाहिए। ये सपना चौहान है, ये मुंबई से चलकर आज यूपी के धरती पर आ चुकी है, कैसा लगा ये धरती? बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स है और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, राम जी के घर पे आके मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आई है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, राम जी के दर्शन करके भी अच्छा लगा। लेकिन कल 5 तारीख को पॉल सी के जन्मदिन है, क्या बधाई दीजिएगा यानी राम जी के धरती से? मैं अपने भाई पवन सिंह को, जिनके साथ अभी मेरी 2 फिल्में आने वाली है, पहली फिल्म है सूर्यवंशम, और लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, और दूसरी फिल्म है बजरंगी, दोनों के लिए उनको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान रामचंद्र उनके सारे कष्टों को दूर करें और जो भी मुराद जो भी तमन्ना उनके दिल में उसको पूरा करें। देखिए रजनीश मिश्रा यानी राम जी के धरती से यानी हम लोग के यानी पवन सिंह के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रहे हैं, और गुनगुना के बोलिएगा, गुनगुना के जन्मदिन पर। अब कोई बात नहीं, माइक खींच रहा है, बोलूंगा कि हैप्पी बर्थडे। उस दिन तो आप लोग थे भाई, आए वहाँ पर, देखिए आज आज आए हैं अवार्ड शो में, क्या कैसा लगा है आज? अरे धन्यवाद इन लोगों को कि हम लोगों को बुलाया, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और वहाँ पे इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है और उसमें हम कलाकारों को या हम लोग सिनेमा से जुड़े सम्मानित किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और धन्यवाद सरस सलील पूरी टीम को, विवेक पांडे जी को और बबलू पंडित जी को, डेफिनेटली मिले वो भी हम और सम्मान, तो ये समझिए यही होना चाहिए कलाकार जाते हैं लोग शब्दों से भी। हम लोग तो आप लोग के देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप यूनिक हैं, आपको पता है कि नहीं, आप अलग हैं, और खासकर जो राकेश मिश्रा वाला जो था ना आपका, वो तो हाईलाइट, जिला के भाई हैं। हाँ, नहीं नहीं बहुत अच्छा है मनीष जी, और हम सब आपको बहुत हैं, बिल्कुल अच्छा है। पवन सिंह के लिए आप कल जन्मदिन है, जी बिल्कुल, मैं पिछले साल हूँ, देखिए सपना जी उस हीरोइन है, आपको बता दीजिए दर्शकों को, सपना चौहान जी हैं, पिछले साल उनके बर्थडे पे हम लखनऊ आए थे, वहीं पे अनाउंस हुआ था जियो मेरी जान, और कल जो है, कल उनका बर्थडे है, तो हमारी शुभकामनाएं तो है ही, फिल्म भी रेडी हो गई है, उसमें सपना चौहान जी हैं, उसमें हीरोइन है क्या? अच्छा मनीष जी, पवन सिंह हमारे भोजपुरी के आन बान शान हैं, पावर स्टार हैं, पावर स्टार हैं, सुर सम्राट, और आपकी फिल्म में जियो मेरी जान है,
वो जियो मेरी जान है और वो फिल्म जल्दी ही आने वाली है पब्लिक के बीच में, और जैसे आएगी सबसे पहले मैं मनीष जी को बताऊंगा। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए पावर स्टार के कल जन्मदिन है और सारा डायरेक्टर लोग और हीरोइन भी धन्यवाद दे रही है, यानी अयोध्या से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई बधाई भैया, बधाई भैया। बिल्कुल निशांत उज्जवल हैं, यानी फिल्म प्रोड्यूसर खेसारी पवन से लेकर तमाम आज अवार्ड शो में पहुंच चुके हैं। अयोध्या क्या कहिए, बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या की पावन धरती पर आके। अयोध्या की धरती पर आज आज अवार्ड मिलेगा आपका, अब पता नहीं ये तो, लेकिन मुख्य ये तो जूरी लोग जाने, हनुमान जी जाने। हम लोग अच्छी फिल्म बनाते हैं, बनाते रहेंगे, और अवार्ड समारोह में हम लोग अवार्ड लेने नहीं आते हैं, देखने आते हैं कि एक आयोजन हो रहा है, सब लोग जुट रहे हैं, एक अच्छा मंच है, लोगों से मुलाकात होती है। कल 5 तारीख का जन्मदिन है पवन सिंह का, क्या बधाई दीजिएगा? बिल्कुल पवन भैया हजारों वर्ष जिए, उनको मेरी और तमाम उनके भाइयों की उम्र लग जाए। मेरे बड़े भाई हैं पवन भैया, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी गानों में हमेशा नया नया लकीर खींचा है, इस बार भी लकीर खींच रहे हैं। उनका इतना बड़ा गाना आ रहा है, अभी शूटिंग चल रही है, मैंने वीडियो कॉल पर देखा, दीपक भैया ने दिखाया, सनी लियोन जी के साथ गाना चल रहा है, कल वो गाना आएगा, आप लोग देखिए। 5 करोड़ का है ये गाना। हाँ बहुत, देखिए बजट तो वो लोग बनाएंगे, बताएंगे जो बना रहे हैं, बट सनी लियोन आ रही है, बता रहे हैं आप प्रोड्यूसर हैं। हाँ पवन जी ने बोला था कि भोजपुरी में उसको भी नचाएंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, तो उसको नचाया उन्होंने, सनी लियोन को। आप अपनी फिल्म में किसको नचाने वाले हैं? हम लोग तो पवन भैया हम लोग के साथ हैं, जो भी हीरोइन जिसको जो चलती है भोजपुरी सिनेमा में उनको हम लोग लेते हैं। रशियन अपना चाहिए ना, रशियन फिल्मों में अगर ऐसा कंटेंट होगा तो नचाएंगे। देखिए निशांत उज्जवल है, लेकिन कल आप जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे, बिना हमारे बर्थडे मनेगा? कोई ऐसा साल हुआ है जो बिना बर्थडे मनाया? बिल्कुल टिकट हो गया फ्लाइट का, बिल्कुल 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 जाने का हो गया। देखिए निशांत उज्जवल है, अभी अभी पहुंच रहे हैं अवार्ड शो में, यानी चलिए दिखाते रहेंगे। निशांत उज्जवल कहा है, निशांत उज्जवल धक्का नंद दीजिए, आप लोग धक्का नंद दीजिए। भोजपुरी के जाने माने हीरो कुणाल जी आज बिहार में, बिहार छोड़कर आज यूपी में आ गए हैं अवार्ड शो में, कैसा लगा आज? सबसे पहले तो मैं सरल सलील परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अयोध्या की पवित्र नगरी में अयोध्या के आदरणीय निवासियों को प्रणाम करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन आज अयोध्या के धरती पर आए हैं, कैसा लगा? इससे ज्यादा किसी हिंदुस्तानी के लिए क्या लगेगा कि वो अयोध्या की पवित्र धरती पर आने का मौका मिला है। बिल्कुल, लेकिन कल पवन सिंह के जन्मदिन है, उसके लिए बधाई क्या दीजिएगा? सुपरस्टार पवन सिंह हैं। मैं उनको यही आशीर्वाद दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जिंदगी में वो बढ़ते चले। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए कुणाल जी हैं, देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर दिखाइए, देखिए बोलना नहीं चाहते हैं मीडिया को, ये कवरेज के दौरान पर ये हंगामा हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी खबर अयोध्या से मैं लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अयोध्या जी क्या कहिएगा? बिल्कुल, देखिए ये भोजपुरी के जाने माने हीरो हैं कुणाल जी, और अयोध्या में महसूस होगा कि वो अयोध्या की पावन धरती पे आने का मौका मिला। जिस तरीके से बैक टू बैक आप लोगों की फिल्में आ रही हैं, अपकमिंग मूवी कौन सी आपकी? आपकी कोई सवाल सुनाई मुझे नहीं दे रही है, मैं रहूंगा यहाँ, मैं आपसे बात करूंगा, मैं सबों से बात करूंगा। देखिए अयोध्या के धरती पर पहुंच चुके हैं फिल्म जगत के अभिनेता, हमारे साथ हैं, लाइव जुड़ चुके हैं, आइए।